हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अक्षय जोशी फ्रॉम श्री जैन पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू इन अनदर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास फोर्थ। तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी क्लास फोर्थ के ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश की। ठीक है, आज हम जो चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, हमने अभी तक एक पोयम और एक चैप्टर जो है पढ़ ली है। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी आ चुकी है और तो आज हम जो है सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का। ठीक है, क्लास फोर्थ का उसका जो चैप्टर का नाम है द पंपकिन टेस्ट और पेज नंबर 26 पे है। और सभी मैं आशा करता हूँ कि सभी जो है बुक लेके आ गए होंगे। अगर नहीं लाए तो अभी भी आप देख लीजिए, ये वाली बुक है आपकी इंग्लिश की स्टेंसिल, ठीक है, नवनीत की। तो आप जल्दी जल्दी लेके आ जाएं ताकि आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो बच्चे शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है द पंपकिन टेस्ट। चल पंपकिन टेस्ट पढ़ते हैं। क्या है, अ यंग प्रिंस द हायर अपेरेंट वॉज वरी डेट ही वुड नॉट मेक अ गुड किंग। ठीक है ना, एक यंग जो है, एक जवान जो है, एक प्रिंस है, एक राजा है, ठीक है ना, जो कि हायर अपेरेंट है। हायर अपेरेंट मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब जो अब प्रिंस बनने वाला होगा। ठीक है ना, मतलब जैसे कोई प्रिंस है किसी स्टेट का, ठीक है ना, तो उसका जो बेटा होगा वो क्या होगा, हायर अपेरेंट है। हायर अपेरेंट मतलब उसके पिताजी के बाद अब प्रिंस कौन बनेगा, उसका बेटा ही बनेगा। ठीक है ना, तो वो प्रिंस को क्या कहेंगे, जो बनने वाला है अब, जो उसको बोलेंगे हायर अपेरेंट। तो एक ऐसा यंग प्रिंस था, वो हायर अपेरेंट था, मतलब उत्तराधिकारी था, आगे बनने वाला ही प्रिंस, नया प्रिंस वही बनने वाला था अगला। ठीक है ना, वो चिंता में रहता था। क्यों चिंता में रहता था, दैट ही वुड नॉट मेक अ गुड किंग, कि वो अच्छा राजा बन पाएगा, हमेशा उसको ये चिंता रहती थी। ठीक है, एंड ही रियली वॉन्टेड टू बी वाइस वन लाइक हिज फादर। वो चाहता था, वो मतलब रियली वो चाहता था, सच्ची तरीके से वो चाहता था कि मैं एक अच्छा, एक वाइस किंग बनू अपने पिताजी जैसा, लाइक फादर। ठीक है ना, मैं अपने पिताजी जैसा जो है एक चतुर या बुद्धिमान जो है राजा बनू, हमेशा वो इस चिंता में रहता था। एंड सो ही थॉट शी वुड फाइंड आउट व्हाट द पीपल इन दिस किंगडम वांटेड। सो ऐसे सोचते सोचते उसने सोचा कि मेरे किंगडम में, ठीक है ना, मेरे राज्य में क्या लोग भाग चाहते हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि क्या लोग भाग चाहते हैं, लोग भाग किस तरह से क्या सोचते हैं मेरे बारे में, या लोग भाग क्या सोचते हैं, उस बारे में जो है मुझे जानकारी होना चाहिए। ही वेंट राइडिंग टू हिज टाउन एंड विलेज इन द किंगडम। और वो क्या करता है, हर एक टाउन में अपने जो अपने भी किंगडम में, किंगडम मतलब उसका जो राज्य है, उसके राज्य में जितने भी गांव और जितने भी टाउन है, ठीक है ना, वहां वो क्या सोचता है कि मैं वहां सब जाके और पता करता हूँ कि सब क्या चाहते हैं। तो वो राइडिंग पे निकल जाता है। ठीक है, आफ्टर मेनी डेज ऑफ ट्रेवल एंड मीटिंग पीपल द प्रिंस वाज ऑन हिज बैक वे टू हिज कासल व्हेन ही रोड हिज हॉर्स डीप इनटू द वुड्स एंड लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिज कंपेनियन। ठीक है ना, काफी दिन घूमने के बाद, उसके ट्रेवल करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, प्रिंस क्या करता है, वापस अपने कासल, कासल मतलब होता है उसका महल। ठीक है ना, तो कासल मतलब होता है महल। कासल में वापस जब आता है, वो आ रहा होता है, व्हेन ही रोड हिज हॉर्स डीप इनटू द वुड्स। ठीक है ना, तो अपने घोड़े पे बैठ के जो है वापस अपने कासल की तरफ आता रहता है। ठीक है ना, तो जैसे आता रहता है, पर वो कहीं ना कहीं डीप इनटू वुड्स, वुड्स मतलब क्या, जंगल कह सकते हैं। ठीक है ना, तो वो जैसे आता रहता है, तो वो क्या होता है, अचानक से जो है अपना जो है रास्ता भटक जाता है। लॉस्ट ट्रैक का मतलब आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मीनिंग में भी लिखा हुआ है, डू नॉट नो वेयर समवन इज लॉस्ट, अपने ध्यान भटक गया, उसका रास्ता भूल गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ पर है। ऑफिस कंपेनियन, जो भी उसके साथी लोग थे, उसके साथ उसका जो है साथ छूट चुका था, और वो जो है डीप इनटू वुड्स, वो जंगल में कहीं जो है गहराई में कहीं चला गया था, अंदर अंदर जंगल में चला गया था, और वो अपना रास्ता जो है भटक गया था। फिर क्या हुआ आगे, तो प्रिंस केम अपॉन अ हर्ट सराउंडेड बाय अ गार्डन। ठीक है ना, प्रिंस जो है चलते चलते कहां पे पहुंचे, एक हट, हट मतलब एक झोपड़ी के आसपास वो पहुंचे, जबकि एक झोपड़ी के पास में एक गार्डन था। ठीक है ना, टेंडिंग द गार्डन वाज अ यंग गर्ल। ठीक है ना, वहां पे उन्होंने देखा कि गार्डन में जो है एक यंग गर्ल जो है वहां पर खड़ी है। द प्रिंस आस्क, टेल मी लास्ट, वॉट डू यू ग्रो हियर। तो प्रिंस ने उससे पूछा, टेल मी लास्ट, लास्ट मतलब क्या होता है, लास्ट मतलब होता है, पहले के जमाने में जो है लड़कियों को क्या लास्ट भी बोलते थे, लेस, है ना, एल डबल एस, ये लिखा हुआ मैंने, लड़की। ठीक है ना, तो कोई लड़की महिलाओं को भी जो है पहले जमाने में लेस बोलते थे। ठीक है, तो उन्होंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे क्या ग्रो कर रही हैं, क्या उगा रही हैं आप। तो शी रिप्लाइड, आई एम रेजिंग पम्पकिन। तो उन्होंने क्या रिप्लाई करा उस गर्ल ने, उसने बोला कि मैं जो है पम्पकिन ग्रो कर रही हूँ। ठीक है ना, पम्पकिन मतलब क्या होता है, कद्दू, सभी जानते हैं आप। ठीक है, द प्रिंस वॉज वेरी हंग्री एंड आस्क फॉर समथिंग टू इट। और प्रिंस जो है था, वो बहुत दिन से भटक रहे थे। ठीक है ना, बहुत देर से, तो उन्हें क्या लगने लगी थी भूख, हंग्री मतलब होता है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है, तो गर्ल रिप्लाई, गर्ल ने क्या कहा, आई कुड कुक मील राइट नाउ। ठीक है, मैं आपके लिए एक अच्छे से खाना बना के कुछ लाती हूँ, कुक अ राइट मील, एक अच्छा सा मैं आपके लिए भोजन बना के लाती हूँ, बट आई हैव टू वाटर द प्लांट्स, बट मुझे जो है प्लांट्स को मेरे पानी देने का समय हो गया है, मेरे को मुझे प्लांट को पानी देना है, तो वुड यू वाटर द गार्डन फॉर मी। तो उन्होंने बोला, लड़की ने बोला, गर्ल ने राजा को, कि क्या आप मेरी जगह पानी दे दोगे। ठीक है ना, तो मैं आपके लिए जो है कुछ बना के लेके आ जाती हूँ। द प्रिंस लुक्ड एट द गार्डन, येलो पम्पकिंस लेड ऑन इट्स रो,
अराउंड द कॉटेज एंड थॉट हाउ हार्ड कुड बी दिस। प्रिंस ने जब देखा उनको, किसको देखा उसने, येलो पम्पकिन जो है चमक रहे थे, गोल्डन येलो जो है पम्पकिन चमक रहे थे, उन्होंने देखा कि लाइन से जो है बहुत सारे कद्दू जो है उसने देखे कि लाइन से जो है पूरे गार्डन में जो है कद्दू लगे हुए हैं, और उसने सोचा हाउ हार्ड कुड बी दिस, ये किस तरह से मेरे लिए तो बहुत काफी कठिन होगा, ठीक है ना। पर उन्होंने फिर आगे क्या अगले लाइन में देखी, ही सेड टू द गर्ल गो होम कुक द मील आई विल वाटर द गार्डन, ठीक है ना। उन्होंने सोचा तो सही कि बहुत कठिन है, पर उन्होंने गर्ल को कहा कि जाओ आप खाना बनाओ, मैं जो है पानी दे दूंगा गार्डन में। द वाटर फॉर द गार्डन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम अ स्ट्रीम फार इनसाइड द वुड्स, और पानी भी जो है गार्डन में देने के लिए कहां से लाना पड़ता था, जंगल में थोड़ा बहुत दूर जाके पानी भर के और वहां से लाना पड़ता था। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, पेज नंबर 28, अगला पेज। द प्रिंस रियलाइज दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू बैलेंस बकेट्स फिल्ड टू द ब्रिम। प्रिंस ने रियलाइज करा जब वो पानी भर के ला रहे थे, तो उन्होंने सोचा या उन्होंने रियलाइज करा कि वो तो जानते ही नहीं है कि किस तरह से जो है बकेट्स को बैलेंस करके लाया जाए, जो बकेट है वो पानी की जो है पूरी ऊपरी किनारे तक भरी हुई हो। ब्रिम मतलब क्या होता है, ऊपरी किनारा, मतलब पूरी लबालब भरी होगी वो बाल्टी, ठीक है ना। तो दो बाल्टी को कैसे वो बैलेंस करके दोनों हाथ में कैसे पकड़ के वो लेकर, भरी हुई जो बाल्टी है ऊपरी किनारा तक जो भरी हुई बाल्टियां हैं उनको कैसे जो है बैलेंस करके वो लेके आया, उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है ना। वॉकिंग द लॉन्ग वुडेड पाथ विद टू हैवी बकेट्स वाज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है ना। एक बहुत लंबा जो है उन्होंने पानी भरने गए थे, तो वापस भर के जब पानी ला रहे थे तो उन्हें बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था कि यार कैसे दो बाल्टी को मैं भरी भरी पूरी भरी भरी बाल्टी पूरी ऊपरी किनारे तक भरी हुई जो बाल्टी है उसको मैं कैसे जो है यहां तक लेके आया, मेरे लिए बहुत ही काफी डिफिकल्ट हो रहा है। ही वॉज नॉट गुड एट प्लांट्स वाटरिंग प्लांट्स, और वो जो है पानी देने में भी प्लांट्स को पानी देने में भी जो है इतने कोई अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। आफ्टर अ हाफ डे वर्क ही सेट अमॉन्ग द ओवर वाटर पम्पकिन, ठीक है ना। पूरा आधा दिन निकलने के बाद उन्होंने क्या देखा, वो बैठ गए और उन्होंने क्या देखा, ही सेट अमॉन्ग द ओवर वाटर पम्पकिन, और उन्होंने क्या कर दिया था, पानी बहुत ज्यादा दे दिया। ओवर वाटर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी देना, उन्होंने जो है बेड तो गए, उन्होंने पानी तो दे दिया पर क्या करा था, ओवर वाटर दे दिया, ओवर वाटर कर दिया था पम्पकिन को, मतलब बहुत ज्यादा ही पानी उन्होंने दे दिया था। हिज रॉयल रॉप्स स्प्लैटर्ड विद मड एंड वंडर हाउ द गर्ल कुड मैनेज, और उनके जो रॉयल रॉप्स थे, रॉप्स मतलब आप जूते कह सकते हैं, उनके जो राजा नवाबों के जो जूते होते हैं वो जो स्प्लैटर्ड हो गए थे विद मड, मतलब कीचड़ से मिट्टी से जो है उनके गंदे हो गए थे जूते, और उन्होंने सोचा वंडर्ड करा, उन्होंने आश्चर्य करा कि कैसे ये जो लड़की है इतना सब कुछ मैनेज करती है। द गर्ल इन द मीन टाइम हैड कुक्ड फीड में डिलीशियस मील, थोड़ी देर बाद जो है गर्ल जो है एक डिलीशियस अच्छा सा खाना बना के उनके लिए लेके आई। ऑन द राइड टू द प्लेस ही रोड स्लोली एंड इन सीरियस थॉट, उन्होंने जो है डिलीशियस मील लेकर और वो अपने महल की तरफ वापस धीरे धीरे चल दिया, और धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने एक सीरियस थॉट में थे, सीरियस थॉट मतलब एक गहरी जो है सोच में डूबे हुए वो अपने महल की तरफ गए। द यंग गर्ल हैड शोन हिम दैट देयर वाज स्टिल अ लॉट टू लर्न बिफोर ही कुड बिकम अ वर्दी किंग, और उन्होंने क्या सोच रहे थे वो कि जो यंग गर्ल ने जो है मुझे बता दिया है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है एक अच्छा किंग बनने के लिए, ठीक है ना। व्हाई हैड नो वन एवर थॉट हिम हाउ टू कुक और ग्रो प्लांट्स और कैरी बकेट्स ऑफ वाटर, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मुझे किसी ने सिखाया कि किस तरह से जो है प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, किस तरह से प्लांट को पानी दिया जाता है, कि किस तरह से कुछ खाना बनाया जाता है, या फिर किस तरह से जो है कैरी बकेट्स ऑफ वाटर मतलब किस तरह से जो है पानी की बाल्टी लाई जाती है। उन्होंने सभी सोचा क्यों ना कोई क्यों मुझे किसी ने ये सब चीजें जो है सिखाई नहीं अभी तक, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। बैक इन द कासल ही वेंट अप टू हिज फादर एंड एडवाइजर एंड अनाउंस, ठीक है ना। वो वापस कासल में आए, कासल मतलब महल में आया, और उन्होंने अपने फादर के पास गए, उन्होंने एडवाइस और उन्होंने अनाउंस किया, बोला फादर को, फादर दोज हू आर लिविंग पैलेस डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट हाउ द पीपल दे लिव, आई वॉन्ट टू अपॉइंट एडवाइजर फ्रॉम द विलेजेस एंड टाउन, उन्होंने बोला पिताजी यहाँ पे पैलेस में अभी भी ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते, ठीक है ना, उनके साथ मैं रह रहा हूँ, मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना है, ठीक है ना, मुझे ऐसा किंग नहीं बनना, मुझे ऐसा किंग बनना है जो उसे सब कुछ आता हो, तभी तो वो एक अच्छा किंग कहलाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने उसके लिए क्या बोला, तो इसके लिए क्या करें, तो उन्होंने बोला किसने, राजा नहीं सॉरी यंग जो बनने वाले हैं, उन्होंने क्या बोला अपने फादर को, आई वॉन्ट टू अपॉइंट एडवाइजर फ्रॉम द विलेजेस एंड टाउन, ठीक है ना, मैं एक अपने लिए एक एडवाइजर अपॉइंट करना चाहता हूँ विलेजेस और टाउन में से, ठीक है ना। एडवाइजर मतलब जो सलाह देगा मुझे अच्छे काम करने के लिए, जो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मुझे एडवाइजर जो है अपॉइंट करना है। द किंग थॉट दिस वॉज अ वेरी स्मॉल डिसीजन, तो जो राजा थे उनके जो पिताजी थे उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इसने। द ओनली क्वेश्चन ही वाज आस्क्ड, आर यू श्योर दे कैन गिव अ गुड एडवाइस, ठीक है ना। तो उन्होंने उससे बस खाली एक ही क्वेश्चन पूछा यंग उनके बेटे से, यंग राजा से, क्या कि बस एक ही क्वेश्चन है कि क्या वो तुम्हें जो भी तुम जिनको डिसाइड सिलेक्ट करोगे अपने एडवाइजर रूप में, तो क्या तुम्हें वो हमेशा अच्छी एडवाइस दे पाएंगे, ठीक है ना, क्या तुम्हें वो अच्छी एडवाइस देंगे तुम जिसको भी सिलेक्ट करोगे। तो फिर आगे क्या होता है अगली लाइन में, द प्रिंस थॉट ऑफ द यंग गर्ल एंड डिसाइडेड टू सी अ टेस्ट और टू सी इफ शी वाज वाइज एज शी वाज कॉम्पिटेंट,
ठीक है ना, उन्होंने उस समय वो क्या सोच रहे थे, प्रिंस थॉट द यंग गर्ल, उन्होंने उस समय उस यंग गर्ल के बारे में सोचा और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए एक टेस्ट लूंगा और मैं देखूंगा अगर ये सच्ची में बुद्धिमान है तो क्या, अगर वो सच्ची में बुद्धिमान है तो वो जो है मेरे एडवाइजर के पद के लिए जो है सबसे सही कॉम्पिटेंट होगी, कॉम्पिटेंट मतलब योग्य होगी, ठीक है ना, वही जो है मेरा एडवाइजर बनेगी, पर उसके लिए पहले मुझे उससे कुछ उसका टेस्ट लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए बेटा, द प्रिंस ऑर्डर्ड अ सोल्जर टू कैरी टू द गर्ल अ ग्लास वन इट ओपनिंग एट द टॉप नॉट मच मोर देन वन इंच अक्रॉस। प्रिंस ने क्या ऑर्डर करा सोल्जर को, सोल्जर मतलब सिपाही लोगों को, कि ये जो है ग्लास जार है ये उस यंग गर्ल को दे के आओ। ग्लास जार कैसा है वो, वन विद एन ओपनिंग एट द टॉप नॉट मच मोर देन द इंच अक्रॉस, ठीक है ना, जो ऊपर से बिल्कुल एक इंच की जो उसकी खाली बस खुला हुआ था बस, बाकी देखिए इंच, आप अगर नहीं समझ पड़ रहा तो आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है ना, ये पिक्चर दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा, इस तरह का जार था, खाली ऊपर से इतना बड़ा पर इतना सा खुला हुआ और अंदर जो है ये नीचे से जो इतना बड़ा, ठीक है ना, तो खाली जो उसका जो ओपन माउथ जो ओपन था, खाली टॉप जो था इतना सा ओपन था, ठीक है ना, वो वाला ग्लास जार जो है उस गर्ल को उन्होंने देने का बोला। अब करना क्या उस जार में, तो आगे बढ़ते हैं, तो सोल्जर ऑर्डर वेयर टू टेल द मैडम, ठीक है ना, सोल्जर ने सोल्जर्स ऑर्डर वेयर टू टेल द मैडम दैट द जार वाज फ्रॉम द प्रिंस। सोल्जर जो है कहाँ पे गए, जो भी राजा का ऑर्डर था वो उस जार को लेकर कहाँ पहुंचे, मैडन, मैडन मतलब भी एक लड़की होता है, महिला होता है, ठीक है ना, ओल्ड फैशन पुराने जमाने में मैडन भी कहते थे, मैडम नहीं मैडन, MIDEN, ठीक है। उन्होंने उस जार को वहां जाके उस यंग गर्ल को दिया और कहा कि ये प्रिंस की तरफ से जार जो है भेजा गया है, एंड शी वाज टू पुट एन एंटायर पंपकिन इनसाइड द जार। उन्होंने बोला है, सोल्जर ने बताया कि प्रिंस ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि आपको इस जार में पूरा पंपकिन जो है डालना है, ठीक है ना, क्या जया कि आपको जो है इस जार में जो है पंपकिन जो है पूरी तरीके से आ जाना चाहिए। और एक और चीज उन्होंने जो आगे बताई परिस्थितियां, शी वुड नॉट ब्रेक द जार अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना, जो है जार जो है जो हम जार दे रहे हैं आपको वो किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में, सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या होता है परिस्थिति, किसी भी कंडीशन में जो है टूटना नहीं चाहिए, ये जो है उन्होंने शर्त रखी, ये जो है राजा ने आपको बोला है ऐसा उन्होंने, किसने सोल्जर ने किसको जाके बोला, यंग गर्ल को, ठीक है ना। तो देखिए आप इतना सा जार है, अब इसकी ये इसका जो मुंह है वो तो इतना सा ही है, खाली इसका जो टॉप है वो कितना सा, इतना सा एक इंच का है, अब इसमें वो कैसे जार में वो पंपकिन को डाले, कि पंपकिन तो इतना बड़ा होता है, ठीक है ना, तो किस तरह से उसने जार में जो है पंपकिन को डाला, अब कैसे डाले कि देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए तो क्या होता है, बोथ द जार विद द स्मॉल ओपनिंग एट द टॉप एंड द पंपकिन मस्ट रिमेन होल, ठीक है ना, जो जार हम दे रहे हैं आपको वो जो है खाली उसकी टॉप जो है बहुत स्मॉल ओपनिंग है उसकी, बहुत छोटा सा है वो, अपने ऊपर से चीज डालने के लिए बहुत छोटी सी चीज है, एंड द पंपकिन मस्ट रिमेन होल, पंपकिन बुला होना चाहिए और ना तो जार टूटना चाहिए, पर आपको उस पंपकिन को उस पूरे जार के अंदर डाल देना है। अब किस तरह से डालेंगे, तो क्या हुआ आगे, गर्ल ने क्या रिप्लाई करा, द गर्ल रिटर्न मैसेज टू द प्रिंस दैट शी वाज सर्टेन शी कुड डू व्हाट वाज आस्क्ड बट दैट सच अ टास्क माइट टेक टाइम। द गर्ल ने जो है मैसेज वापस रिटर्न करा प्रिंस को कि ठीक है मैं पूरी तरीके से मैं सर्टेन हूँ, सर्टेन मतलब बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं जो है ये काम कर दूंगी, पर उन्होंने बोला उस गर्ल ने कि मैं जो है कुछ समय लूंगी, है ना, इस काम के लिए मुझे कुछ समय की जरूरत पड़ेगी। इंडीड इट वाज सेवरल मंथ बिफोर द गर्ल अराइव्ड एट द प्लेस इन हर हैंड शी हेल्ड द सेम जार एंड द एंटायर पंपकिन सेट इनसाइड ऑफ इट, ठीक है ना, कुछ महीनों के बाद जो है वो गर्ल जो है पैलेस पे पहुंची, महल पे पहुंची, और उसके हाथ में वो ही जो सेम जार था जो राजा ने दिया था उसके अंदर पूरा का पूरा पंपकिन जो उसके अंदर था, ठीक है ना, ऐसा कैसा जार वो लेके कहां पहुंच गई, महल में पहुंच गई। व्हेन द प्रिंस क्लोजली एग्जामिन्ड द जार ही कन्फर्म्ड दैट द जार वाज द सेम वन दैट ही सेंट। प्रिंस ने क्या करा, पूरा क्लोजली एग्जामिन करा, एग्जामिन करा मतलब पूरा से तरीके से देखा कहीं टूटा तो हुआ नहीं है, कहीं दूसरा जार तो नहीं है, ठीक है ना, उसने पूरी तरीके से एग्जामिन करा और फिर कंफर्म करा कि ये तो वही जार है जो मैंने भेजा था। तो इट बोर द रॉयल एम्बलम, है ना, वो क्या उसमें बोर मतलब इट बोर द रॉयल एम्बलम, वो रॉयल एम्बलम से वही वाला था, मतलब कैसे पहचाना कि वही वाला था, उस पर रॉयल एम्बलम था, एम्बलम मतलब क्या होता है चिन्ह, राजा का उनके राज्य का जो है चिन्ह होगा सबका कुछ होता है ना, तो इस तरह का एम्बलम लगा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये तो वही है। व्हाट्स मोर ही सॉ द बोथ जार एंड पंपकिन वेर कंप्लीट अनडैमेज्ड, ठीक है ना, उन्होंने देखा और क्या देखा उसमें कि ये तो जार भी मतलब अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल मतलब जार भी नहीं टूटा और पंपकिन भी नहीं टूटा, बिल्कुल दोनों ही अनडैमेज है, ठीक है ना, तो वो तो आश्चर्य में आ गए कि इन्होंने जो है इस लड़गलियम गर्ल ने इस जार के अंदर इतने सारे खाली जगह थे, मुंह तो कितना सा था उसका, एक इंच का था सिर्फ, ठीक है ना, तो उसके अंदर इन्होंने पूरा पंपकिन जो है बिना कुछ डैमेज करे कैसे डाल दिया, सभी आश्चर्य करने लग गए, सभी जो है वंडर करने लग गए कि कैसे हुआ है। Nobody could figure out मतलब कुछ भी समझ नहीं पाया, कोई भी समझ नहीं पा रहा था। How she had done is this, किस तरह से इस गर्ल ने जो है काम करा है। The girl revealed that she had placed a pumpkin bird, तो गर्ल ने बताया रिवील करा कि मैंने क्या करा, एक पंपकिन बर्ड को जो है इसके अंदर प्लेस कर दिया था, डाल दिया था। वन डेट वॉज स्टिल अटेस्ट टू वाइन, वाइन मतलब क्या होता है, वाइन मतलब होता है बेल और बर्ड मतलब होता है कली,
बेल से क्या होती है, कली निकलती है, बेल से जो है कली जुड़ी होती है, कली समझते हो ना, कली मतलब बर्ड मतलब होता है कली, कली को बोलते हैं, एंड अनओपन फ्लावर, ऐसा कली जैसे आप देखते हैं कि कोई कोई फूल होते हैं जिनमें खाली अभी वो पूरी तरीके से बस उसमें से अभी फूल बनते नहीं हो, ठीक है ना, वो धीरे धीरे खुलते हैं तो पूरा फूल बन जाते हैं, ठीक है ना, उसको बर्ड बोलते हैं, कली कह सकते हैं, है ना। तो वो जो वो कली जो थी वो किससे अटैच थी, वाइन से, वाइन मतलब एक बेल होती है ऐसी लंबी लंबी बेल निकलती है सभी की, ठीक है ना, पेड़ पौधों के जो भी फल होते हैं उनकी सबकी, ठीक है ना। पर इसकी जो पंपकिन की बात करूं तो पंपकिन की जो है बेल वगैरह होती है ना, तो ये बेल जो होती है उसके अंदर क्या होती है, कली, कली अटैच होती है, ठीक है ना, उसके अंदर से ही कनेक्टेड होती है। उस कली में क्या होता है, वो कली जब धीरे धीरे बढ़ती है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, पंपकिन बढ़ते जाता है या पंपकिन बनते जाता है धीरे धीरे। तो क्या करा उस लड़की ने कि वो पंपकिन का बर्ड, बर्ड मतलब पंपकिन की जो कली थी, ठीक है ना, उस कद्दू की जो कली के उसने उसके अंदर प्लेस कर दिया था, जो कि किससे अटैच थी, वाइन से, बेल से अटैच थी, बेल तो बाहर थी पर उसने जो है उसको कहाँ कर दिया, बर्ड को कहाँ रख दिया, उस जार के अंदर रख दिया, इन द ग्राउंड इनसाइड द जार दो इट्स स्मॉल ओपनिंग, ठीक है ना, उस जार के अंदर रख दिया जिसकी बहुत स्मॉल ओपनिंग थी। ओवर टाइम द पंपकिन बर्ड ग्रो इनटू फुल साइज पंपकिन, धीरे धीरे क्या होने लग गया, वो कली जो थी बर्ड क्या होने लगी, बढ़ने लगी। मैंने बताया आपको बर्ड जो है धीरे धीरे बड़ी होती तो क्या बन जाएगी, पंपकिन बन जाएगी, और एक फुल साइज की पंपकिन बन गई। मैंने पंपकिन फिल द जार, उसने जैसे देखा कि जार में पूरी तरह से पंपकिन फिल हो गया है तो उसने क्या करा, द शी सिंपली कट ऑफ द स्टेम, तो जो जिससे वो कनेक्टेड था बर्ड किससे कनेक्टेड था, स्टेम से, वो मैंने बताया था आपको अभी, वाइन से, बेल से, है ना, इसी से उसने क्या करा, वो बेल को क्या कर दिया, कट कर दिया, और जैसे कट करा वहां से वो पंपकिन जो है बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बेल से कनेक्टेड था वो, ठीक है ना, वाइन से कनेक्टेड था, तो वो वाइन ही जो है उसने लड़की ने क्या करी, काट दी। जैसे उसको लग गया कि हाँ ये पूरी जार के बराबर जो है पंपकिन अब बढ़ चुका बन गया है, तो उसने उसको वहां से काट दिया, और ये जो है ऐसा कैसा जो है पंपकिन वो लेकर कहाँ पे आ गई, पैलेस में आ गई। तो इस तरह से जो है पंपकिन भी उस जार के अंदर आ गया, और पंपकिन भी नहीं डैमेज हुआ और ना तो वो जार डैमेज हुआ, ठीक है। द प्रिंस वाज कन्विंस्ड, जो प्रिंस जो है कन्विंस्ड हो गए, कन्विंस्ड मतलब वो उनसे सहमत हो गए, वाह यार कितना अच्छा काम कर दिया, सही उन्होंने बोला, बिल्कुल सही। ही इमीडिएटली आस्क्ड द गर्ल टू बी द फर्स्ट एडवाइजर व्हेन ही बिकम किंग, द गर्ल एक्सेप्टेड, ठीक है ना, और इमीडिएटली उन्होंने जल्द से जल्द क्या करा, उस गर्ल को जो है अपना पहला जो है एडवाइजर और उन्होंने सलाहकार नियुक्त कर दिया। एंड ही बिकम, व्हेन ही बिकम किंग, जब वो जैसे ही वो राजा बने उन्होंने अपना फर्स्ट एडवाइजर किसको चुना, उस गर्ल को चुना, और गर्ल ने भी जो है एक्सेप्ट कर ली इस बात को। When the prince was crowned king, the people rejoiced. जब प्रिंस थे उनको जब उनको क्राउन किंग मतलब उनको जब राजा बनाया गया, ठीक है ना, तो उनके फादर इस फादर श्योर द किंग वाज इन सेफ हैंड्स, तो उनके जब पापा थे उनके पिताजी थे उन्होंने इश्योर करा, उन्होंने सोचा कि आप जो है हमारा राज्य जो है बिल्कुल सेफ हाथों में है, सुरक्षित हाथों में, श्योर इनफ द किंग विद द हेल्प ऑफ हिज एडवाइजर लुक आफ्टर द कंट्री फॉर मेनी इयर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है उन राजा ने जो राजा बनाए थे वो, ठीक है ना, उन्होंने अपने एडवाइजर की मदद से अपने राज्य की काफी जो है सालों तक जो है सेवा की, यस अपनी सालों तक जो है राज्य संभाला उन्होंने अपने एडवाइजर के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये जो चैप्टर था पंपकिन टेस्ट, ठीक है, तो आप इसको वापस से रिवाइज करेगा, वीडियो फिर से देखिएगा तो आपको वापस से समझ आ जाएगा। मैंने कुछ जो है ये हार्ड वर्ड्स लिख दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको भेज दी गई है, ठीक है, उसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।